एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? कमेंट करके ज़रूर बताना। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी बज रहे हैं दिन के लगभग 12 एंड अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल की तरफ अपनी फ्रेंड के साथ। एंड आप लोग मेरे पीछे एनवायरनमेंट देख सकते हो, आज गांव में बिल्कुल भी धूप नहीं लगी है क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी वेदर है। एंड मैं अम्ब्रेला लाना भी भूल गई हूँ, अगर बारिश लगेगी तो पक्का मैं आज भीगते भीगते आने वाली हूँ घर वापस। तो गाइस, सामने आपको मेरी फ्रेंड दिख रही होगी, वो वहाँ पर ही रुकी है, मेरा वेट कर रही है वहाँ पे। मैं भी जाती हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गई। हेलो हेलो, हाय, और कैसी है? ठीक है गाइस, अभी दिन के लगभग 1 बज रहे हैं एंड अभी मैं फ्री हो गई हूँ हॉस्पिटल से। और यहाँ पे देखो इसको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, पूरी पैक होके आई है। पर मैं तो वैसे थोड़ी देर पहले ही आई थी, पर ये तो कॉलेज भी आई थी, तो पता नहीं इसका कितने बुरे हाल हुए होंगे क्योंकि हमारी क्लासरूम में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। मैंने अभी मास्क नहीं पहना, अगर पुलिस वाले देखेंगे ना आपका मास्क आए, मेरा मास्क तो यहीं है, मैं तो बच भी जाऊँगी। यहाँ ऊपर से अगर चलान काट लेंगे, पैसे नहीं है देने के लिए, कंगाल है। तू भी कंगाल हुई है, मैं भी कंगाल हुई हूँ। मैं तो वैसे अभी भीगी हुई हूँ, वरना मेरे पास थे मास्क का है, मास्क का। हाँ, 200 ही लगे, उससे ज़्यादा नहीं लगे। तू भी करवा लियो टाइम भी ना, तेरी भी नहीं लगेंगे। और कितना सुनसान है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है ना। हाँ, पर ऐसे गाड़ी आ रही है, गाड़ी नहीं आ रही है, बस आ रही है शिमला बस। फिर भी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही उतनी ज़्यादा, और आज मौसम भी कितना ख़राब दिख रहा है। यहाँ पे बस रुक गई है, जा इस बस में चली जाओ चौक पर। जा मैं भेजती हूँ नहीं तो फिर कॉस्मेटिक की शॉप में जाना था, बट इसको ये ही नहीं पता वो कॉस्मेटिक की शॉप कहाँ है। पता नहीं कहाँ लेके चली गई थी, नहीं कहाँ लेके गई थी तुम बता सर, मुझे लगा तू वहाँ लेके जाएगी, पर तुझे पता ही नहीं लगा वो शॉप का। अच्छा ठीक है, यहीं रुकते हैं, यहाँ से व्यू भी अच्छा दिख रहा है गाँव का। अभी हम लोग सोच रहे हैं थोड़ी देर यहीं टाइम पास करेंगे, और इसको काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। घर से कपड़े पहन के आया कर, इसलिए बोल रही हूँ। तुझे बोल रही है, पर ये तो थोड़ा पतला है अंदर। फिलहाल अभी बज रहे हैं दिन के लगभग 3 और बाज़ार से मैं काफ़ी पहले ही घर आ गई थी, लंच वगैरह सब हो गया है। सुनीता को भी बाय बाय बोल दिया था, पर ज़्यादा शूट नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ बैटरी की वजह से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैटरी की प्रॉब्लम हो गई थी, लो हो गई थी फ़ोन में बैटरी। एंड आजकल ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो ठंड की वजह से भी बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन होती है, पता ही नहीं चला मुझे कब जैसे मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था। बट अभी मेरे फ़ोन में फुल बैटरी है, मैंने फुल चार्ज किया घर आते ही। सबसे पहले मैंने चार्जिंग पॉइंट पर ही फ़ोन लगाया था। अब मैं आई हूँ दादी के पास यहाँ पे अर्जी वाले खेत में। आपको याद ही होगा लास्ट टाइम मैंने अपना एक ब्लॉग डाला था, हिमाचल की ट्रेडिशनल डिश पत्रोड़ू। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे दे दूँगी। सो वो अरबी के पत्तों से ही बनता है, बट अब हमारे अरबी के आलू भी हो चुके हैं खाने लायक, तो अभी हम उसकी प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, उसको खोदेंगे एंड देन उसके बारे में मैं आपको और भी बताऊँगी कि क्या क्या करते हैं हम उसका। अब आलू सब ने शुरू कर दिए ना खोदने, तब खोद रहे हम क्योंकि मौसम खराब हो चुका ना, अब 2-3 दिन में पता नहीं ना तभी खोद रहे, नहीं भी आज ना तो अब सीजन चल गया ना इसका, सभी खोद रहे हैं थोड़ा थोड़ा, सब नहीं होती सब्जी के लिए सब नहीं खोद रहे, तब खोद रहे नहीं। पता नहीं बर्फ लगेगी कर परसों तक, क्या पता है मौसम खराब हो, बारिश लग सकती है शायद से, अभी बर्फ मुश्किल है ना। हाँ, लग रहा है आपको कि क्या पता, मौसम बर्फ लगने का भी टाइम है अब, कुछ दिनों के बाद है दादी, अभी तो नहीं लगेगी ना। लगती है ऊपर हाइट में। हाँ, जंगलों में तो लगती है, गांव में पता नहीं अभी टाइम नहीं है, तो नहीं लगेगी, दूसरे महीने में लगेगी गांव में। पिचेस फिर से आ गया है मिलने, आजकल ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया है, आजकल ये यूजुअली आता ही रहता है मिलने नीचे। कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे कि चेज काफ़ी ज़्यादा हॉरेबल डॉग है, बट ये सिर्फ लुक वाइज ही हॉरेबल है, अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और बहुत प्यारा डॉग है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा डॉग है, बहुत ही ज़्यादा, और शरीफ भी ये बहुत ज़्यादा है, ये बेवजह किसी के लिए भी एग्रेसिव नहीं होता है। बट जो रसल है वो थोड़ा मुझसे डरता है, वैसे लास्ट टाइम तो उसने मुझसे फ्रेंडशिप कर ली थी, बट अभी भी पता नहीं क्यों वो मुझसे थोड़ा सा डरता है ऐसे, वो यूजुअली मुझसे दूर दूर भागता है, ज़्यादा आता नहीं है। बट अगर कभी शाश्वत मेरे साथ होता है तब तो वो फटाफट से आता है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल भी नहीं आता है, दूर दूर ही भागता है मुझसे। फिर हमने ये अरबी खोद दी है, और अभी हमें इससे ये नीचे से अरबी निकालनी है, जो नीचे वाला हिस्सा है, और ऊपर वाले को कट करके फेंक देना है।
अभी दादी ने मेरे पीछे अरबी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है केल्टे में। अब हम इनको घर ले जाएंगे, स्टोर रूम में रखेंगे एक जगह पे, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि हम इनको अलग करके अभी दबाएं। जब हम इसे अरबी के छंटेंगे ना, कुछ तो हम सब्जी पे रखेंगे, वो तो रखेंगे वे घर में स्टोर में, जो रखेंगे बीज छंटेंगे ना वो रखना पड़ता है मिट्टी के नीचे, क्योंकि अच्छे रहते हैं गर्म गर्म रहते ना, बाड़े से नहीं जलते सड़ते नहीं, तब उगता उस टाइम बीज तब रहता बढ़िया, तब रखते हुए हम मिट्टी के नीचे। तो गाइज अब हम जाएंगे घर, क्योंकि अब यहाँ पे सारा काम हमारा फिनिश हो चुका है, जितने भी हमारे खेत थे वो सारे खोद के अरबी के आलू हमने सारे निकाल दिए हैं। अब तो नहीं है ना अरबी सारा हो गया है ना पका, और तो नहीं है ना कोई दूसरा खेत नहीं है ना? हाँ, क्योंकि अब कल परसों तक काफ़ी ज़्यादा वेदर ख़राब दिया है, तो हमने सोचा अभी थोड़ा मौसम रुका हुआ है तो अभी टाइमली खोद देते हैं, अभी सही रहेगा, अदरवाइज़ बाद में तो सारी फसल सड़ ही जानी थी अगर बर्फ लगती या बारिश लगती, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है खोदना इनको। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही, इसी के साथ साथ आज के ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग पसंद आए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड चैनल पर न्यू हो तो क्या करें दादी, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बिमला, बिमला कहाँ गया बॉल, कहाँ भाग रहे हो तुम, बंदर भी नहीं चलते ऐसे जैसे तुम लोग जा रहे हो, बंदर की तरह रेस लगाई दादी इन लोगों ने।